पिछले करीब छह महीनों से सागर जिले की पुलिस सुकून में नहीं है। एक के बाद एक उफनते कांड पुलिस की बेचैनी का सबब बन गए हैं। इन ज्वलंत मुद्दों ने जनता के बीच पुलिस की छवि को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बहुचर्चित तो चांदी कांड में शहर का मोतीनगर थाना चर्चाओं में अभी भी घिरा हुआ है। इस कांड के चलते संदिग्ध सूची में आई खाकी को कहां तक राहत और क्लीन चिट मिली, अभी पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी मीडिया के सामने नहीं आई है। देवरी थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर ने फांसी क्यों लगाई, इसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। जैसी नगर के दो बड़े ज्वलंत घटनाक्रम धीरे धीरे भले ही पुराने होते जा रहे हैं, लेकिन अपडेट सूची में ताजा तरीन बने हुए हैं। जैसी नगर के ही एक आदतन इनामी अपराधी की फरारी पुलिस के लिए नासूर बनी हुई थी कि जैसी नगर थाने में आरोपी की हत्या या आत्महत्या का फैसला मजिस्ट्रियल जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन इस कांड के बाद आरोप प्रत्यारोप ज्ञापन और धरना प्रदर्शनों ने पुलिस की छवि को तार तार करके रखा हुआ है। सागर जिले में उपहनते इन बड़े घटनाक्रम को क्लेवर तरीके से क्लियरिटी लाने की पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने शानदार कोशिश की है, लेकिन जिले की जनता पुलिस महकमे को लेकर मौन नहीं है। पुलिस महकमे से जुड़े सारे कांड वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखे हैं, लेकिन अब बहुत समय हो चला है, इसलिए इन कांडों पर से पर्दा हटने का इंतजार अब जिले की जनता से नहीं हो रहा। वहीं इन सब कांडों के बीच जिले के पुलिस कप्तान ने पुलिसिया रौब और कार्यकुशलता में पैरापन लाने की कोशिश की है। एसपी का फेसबुक लाइव और इस लाइव के बाद जिले में अवैध नशे के कारोबार, अवैध आहातों पर दबिश ने पुलिस की क्रियाशीलता को जनता ने सैल्यूट तो किया, लेकिन जैसी नगर एपिसोड पुलिस की हर बड़ी सफलता को ध्वस्त करता नजर आ रहा है। ये बात सही है कि नियमों और कानूनी दायरों में रहकर रौबदार अंदाज में पुलिस अपना काम करती जा रही है। विभिन्न थाना स्तर पर साइबर क्राइम और वाहन चोरी सरीखे अपराधों की फेरिस्त में पुलिस ने सफलता हासिल की है। एसपी तरुण नायक का मानना है कि जिले में 26 नवंबर के दिन प्रदेश के मुखिया सहित जिले के तीनों कद्दावर मंत्रियों की उपस्थिति में आयोजित गौरव दिवस गरिमामय तरीके से सम्पन्न हो और यह बड़ा आयोजन गौरवपूर्ण इतिहास लिखे, इसके लिए जिले के अपराध जगत को जीरो टॉलरेंस पर लाने की कसावट चल रही है। रात के समय गांव गली मोहल्लों में पुलिस पेट्रोलिंग करती नजर आ रही है। हिस्ट्री सीटर आदतन और रिंगरानी शुदा अपने पते ठिकानों पर मौजूद हैं या नहीं, इस पर पुलिस की पैनी नजर है। जिले में लंबे समय से ज्वलंत वारदातों के बीच घिरी पुलिस पर भारी दबाव है कि जिले के गौरव दिवस पर प्रदेश के मुखिया के सामने पुलिस की छवि को लेकर सीधा साक्षात्कार न हो जाए, इसलिए अब पुलिस महानिरीक्षक ने कमान संभाल ली है। मकरोनिया क्षेत्र में आईजी द्वारा पुलिस अधीक्षक के साथ किया गया रोड शो एक बड़ा संदेश दे गया है। ज्वलंत घटनाओं के देखते अंगारों पर पुलिस की सकारात्मक सोच और पुलिस पब्लिक मैत्री का एक ठंडक भरा एहसास आईजी महोदय ने करा दिया है। एक हिसाब से यह पैदल मार्च जनता का भरोसा जीतने की कोशिश थी। जहां तक जिले के तीनों कद्दावर मंत्रियों का प्रभाव और इनके वजन की बात है, तो इनके अपने विधानसभा क्षेत्रों में घटनाक्रम के बाद पीड़ित वादी प्रतिवादी एक ही विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और दोनों को न्याय दिलाना क्षेत्रीय विधायक का पहला काम होता है। और सुरगी विधानसभा क्षेत्र में इसी परिभाषा पर जयसिंहनगर थाने में हुई घटना पर न्याय टिका हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि तीनों कद्दावर मंत्रियों से सुशोभित सागर जिले के अंदर पुलिस महकमे में एक बड़ी सर्जरी हो सकती है और गौरव दिवस के बाद अदला बदली तबादलों की इबारत लिखी जा सकती है, लेकिन तब तक पुलिस महानिरीक्षक सहित पुलिस कप्तान चाहेंगे कि खाकी की खबर आम हो जाए कि जिले की पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, साथ ही जिले के इन तीनों मंत्रियों की गुड लिस्ट में पुलिस उभर कर अपना मुकाम फिर से हासिल कर ले।